नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार दिवस को लेकर। आज बिहार 110 साल का हो गया है। बिहार का ऐतिहासिक गौरव किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो विश्व को ज्ञान देने से लेकर शिक्षा और धर्म के हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान रहा है। आज बिहार अपना 110वां जन्मदिन मना रहा है। इस खुशी के मौके पर क्या बिहार सरकार, क्या आम जनता, हर कोई अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब सभी लोग खुले आसमान में एक साथ बैठकर बिहार दिवस का आयोजन करेंगे, क्योंकि कोरोना ने सभी को घरों में बंद करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो हर कोई इस बिहार दिवस को मनाने में जुटा हुआ है। बिहार के अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि को देखें तो साल 1912 में आज ही के दिन बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक प्रांत बना था, अलग एक राज्य बना था। तब ओडिशा बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद साल 1936 में बिहार और ओडिशा अलग अलग राज्य बन गया। बिहार सरकार बिहार दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तो आइए इस मौके पर बिहार के गौरवशाली अतीत पर एक नज़र डालते हैं। बिहार अस्तित्व में कैसे आया? हर किसी के मन में यह बात जरूर घूम रहा होगा कि आखिर बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो चलिए इतिहास के पन्नों को उलटते हैं और इतिहास के पन्नों में खोजते हैं कि बिहार की पूरी कहानी क्या है। इतिहासकारों की माने तो बौद्ध विहार के बिहार शब्द से बिहार की उत्पत्ति हुई। अब इसे बिहार के जगह पर बिहार कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द विहार की मठ से मिलकर बना है। बिहार बौद्ध संस्कृति का जन्म स्थान है, जिस कारण से इस राज्य का नाम पहले बिहार और उसके बाद बिहार बना। आपको यह भी बता दें कि बिहार को पहले मगध के नाम से भी जाना जाता था। बिहार की वर्तमान राजधानी तो पटना के नाम से जाना जाता है, हालांकि पटना को और भी कई नामों से जाना जाता है। यह पूरा क्षेत्र गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। बिहार के इतिहास को अगर हम हिंदू पुराणों के अनुसार देखें तो माता सीता का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। बिहार की ही धरती पर भगवान राम और माता सीता का मिलन हुआ था। इसी धरती पर बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई और इसी धरती पर महापुरुषों यानी कि भगवान बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ। यह बिहार की ही धरती है जहां विश्व के सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय है। 12वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय को तोड़ फोड़ दिया गया था। साल 2016 में इस स्थान को यानी कि उस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। बिहार की इसी धरती से विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट भी बिहार से ही हैं। इसी धरती से कामसूत्र किताब को लिखने वाले प्रसिद्ध दार्शनिक बात्सायन भी बिहार से ही आते हैं। बिहार की इस धरती से सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। इनका जन्म हरमंदिर तख्त साहिब पटना साहिब में स्थित है। बिहार का वैशाली जिला दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है। देश में जहां आज लोकसभा और राज्यसभा की संकल्पना है, बिहार के वैशाली में उसी समय इसकी कल्पना की गई थी और उस नीति के अनुसार अपने प्रदेश को चलाया जाता था। भारत के प्रसिद्ध राजाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और सम्राट अशोक भी बिहार से ही आते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों? आपके मन में यह बात जरूर चल रहा होगा कि आखिर बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो आइए आगे हम जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। इतिहास के पन्नों को अगर हम उलटेंगे तो 22 अक्टूबर 1764 का वह दिन जब बक्सर में युद्ध हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और मुगल राजा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इसके बाद इन क्षेत्रों में मुगलों का वर्चस्व लगभग समाप्त हो गया। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत होती चली गई। उस समय यह पूरा इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का वर्तमान इलाका शामिल था। लेकिन जब भारत की राजधानी साल 1911 में कोलकाता से दिल्ली बनी तो इन इलाकों पर पकड़ कमजोर होने लगी। इसके बाद मार्च 1912 को थॉमस गिब्स कारमाइकल ने बंगाल के नए गवर्नर का पद संभाला और ऐलान कर दिया कि अगले दिन यानी कि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी को बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उसमें असम भी शामिल था, इसको विभाजित किया जाएगा।
उस दिन से यानी कि 22 मार्च से बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में भले ही बिहार अस्तित्व में आ गया था, लेकिन इसमें बिहार दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2005 में सत्ता में आए और उसके 5 साल के बाद यानी कि साल 2010 में उन्होंने पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया। इस बिहार दिवस के आयोजन में बिहार ही नहीं पूरी दुनिया ने बिहार के गौरवशाली अतीत को जाना, इसके इतिहास से रूबरू हुए और वह एक परंपरा के रूप में अब चली आ रही है। बीच में कोरोना काल के कारण बिहार दिवस का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन एक बार फिर से साल 2022 में बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। अगर हम बिहार के अतीत के पन्नों को थोड़ा सा पीछे अगर हम चले तो भारत में अगर हम कहें कि कांग्रेसिया सरकार थी जिसमें कांग्रेस का पूरे भारत पे वर्चस्व था, उस समय जयप्रकाश नारायण ने पटना के इसी गांधी मैदान से युवाओं की टोली के बीच में पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन की शुरुआत की और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। ये बिहार की ही उपज है, ये बिहार की ही धरती है जिसने पूरे देश को एक नई दिशा दी और एक नई धार दी, जो कि आज एक तरह से कह लें कि बिहार जो है देश की राजनीति में भी अपनी एक अलग छाप रखता है। इतिहास के पन्नों में बिहार एक गौरवशाली अतीत के साथ आज अपने वर्तमान को जी रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।